जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको यूटीएल अल्फा प्लस 3 KB MPPT मॉडल जो 48 वोल्ट का है उसका पूरा लोड टेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इन्वर्टर पे मैंने 2500 वाट लोड तो बहुत स्मूथली चलाया है, उससे ऊपर कभी लोड नहीं दिया है। आज देख के देखते हैं लाइव लोड। देखिए बैटरी फुली चार्ज है, ना चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि आउटपुट पर बहुत ही कम लोड होगा, तो सिर्फ 29 वाट का आउटपुट पर लोड है, तो बैटरी ना चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है। ग्रिड सप्लाई हमने कट करके रखी है, ग्रिड 0 वाट है, और चूंकि बैटरी चार्ज है फुल्ली और आउटपुट पर लोड नहीं है तो इन्वर्टर से कोई पावर ये ले नहीं रहा होगा। देखिए सिर्फ 74 से 92 वाट पावर ये ले रहा है। चलिए इस पर धीमे धीमे लोड बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी कहाँ तक जाती है या कहाँ तक झेल पाता है। तो लाइव बिना अनकट के मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा आज। तो देखिए मेरे पास ये एक 1.5 HP की वाटर मोटर है, उसवाल कंपनी के शेरवेल वाटर मोटर है। इसको ऑन कर देता हूँ। इसका जर्क लोड 12 एम्पियर तक है और काफ़ी पावरफुल मोटर है ये। ये नल मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है मोटर से। यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, इसे भी ऑन कर देता हूँ और धीमे धीमे बाकी करके लोड देते हैं। यहाँ एक LED 9 वाट की, इसे भी ऑन कर दिया। यहाँ अंदर कमरे में एक 9 वाट की LED लगी है, इसे भी ऑन कर देते हैं और फिर चलते हैं दूसरे लोड को ऑन करने के लिए। इन्वर्टर काफ़ी अच्छा है, 5 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। तो मैं इसका एक लोड टेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कन्वेंशनल फ़ैन लगा है 75 वाट का, इसे भी ऑन कर दिया। और ये एक बड़ा सा डेजर्ट कूलर है एग्जॉस्ट फैन वाला, 300 वाट से ज़्यादा पावर लेता है ये लोहे की बॉडी में, इसे भी ऑन कर दिया। और यहाँ पे एक LED लगी है 20 वाट की, इसे भी ऑन कर देते हैं और फिर चलते हैं बाकी घर के दूसरे लोड ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे एक 9 वाट की LED लगी हुई है, इसे भी ऑन कर देते हैं। और स्टेबलाइज़र में आप देखिए कोई भी लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने ग्रिड सप्लाई तो कट कर ही रखी है तो पावर आने का सवाल ही नहीं। यहाँ एक 9 वाट की LED से ऑन करके चलते हैं इस कूलर को ऑन करते हैं। ये टावर कूलर है, प्लास्टिक बॉडी में 160 से 180 वाट तक लेता है, तो इसे भी ऑन कर देते हैं। इसे भी ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इस कमरे में एक कन्वेंशनल फ़ैन 75 वाट का लगा है, उसे भी ऑन कर देते हैं। और एक LED है 20 वाट की, उसे भी ऑन कर देते हैं। देखिए ये कन्वेंशनल फ़ैन है 75 वाट का, ये LED है 20 वाट की, ऑन करके चलते हैं। ये किचन है, किचन में भी जो लोड है उसे ऑन करते हैं। ये एक फ़ैन है, एक एग्जॉस्ट फ़ैन है, ये वाटर प्योरीफायर 30 से 35 वाट पावर लेता है, ये तो चल ही रहा है। और एक फ़ैन है, इसे भी ऑन कर दिया, एग्जॉस्ट फ़ैन को भी ऑन कर दिया। यहाँ पर एक 15 वाट का LED बल्ब लगा हुआ है, इसे भी ऑन कर देते हैं। ये फ़ैन है कन्वेंशनल 75 वाट का, इसे भी ऑन कर देते हैं। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे एक प्रेस लगी हुई है, लेकिन इसे अभी ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ये हीट होके कट हो जाएगी तो हमें एग्जैक्ट लोड नहीं पता चल पाएगा। इसको सबसे लास्ट में ऑन करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, एक फ्रिज है 245 लीटर की LG कंपनी की, पावर सेविंग फ्रिज है 5 स्टार, इसे भी ऑन कर दिया मैंने। देखिए ऑन है। यहाँ से चलते हैं इस कमरे में, एक और कमरा है, वहाँ पे एक फ़ैन है कन्वेंशनल, इसे ऑन कर देते हैं। एक एग्जॉस्ट फैन है, उसे भी ऑन कर देते हैं। दो LED बल्ब लगे हुए हैं, एक 15 वाट का है और एक 9 वाट का है, दोनों को ऑन कर देते हैं। ये ऑन हो गया। इसके बाद चलते हैं छत पे। देखिए दोपहर के 12:40 हो रहे हैं और जून की पहली तारीख है, धूप काफ़ी अच्छी है। यहाँ छत पे सीढ़ी पे एक LED बल्ब है 9 वाट का, ऑन करके छत पे चलते हैं। गर्मियों का दिन है, आंधी तूफान आता रहता है तो मेंटेन करना गाँव में काफ़ी मुश्किल होता है। ये एक टिन बॉडी में एग्जॉस्ट फैन वाला कूलर है बड़ा सा, इसे भी ऑन कर देते हैं। इसे भी ऑन कर दिया हमने। इस कमरे में चलते हैं। ये पावर सेविंग फ़ैन है हैवेल्स का 50 वाट का, और 20 वाट की एक LED लगी है, 9 वाट का एक बल्ब है, दोनों को ऑन कर दिया, फ़ैन को ऑन कर दिया और एक कूलर चल रहा है जो हमारा डिज़र्ट कूलर है। यहाँ पर एक फर्राटा फ़ैन है जो 160 से 180 वाट की पावर लेता है, काफ़ी तेज़ चलता है। लज्दा कोई कंपनी है, उस कंपनी का, लोकल कंपनी का, तो उसको भी ऑन कर दिया। और बाहर चलते हैं, यहाँ बारामदे में एक LED 9 वाट की लगी है, उसे ऑन करके चलिए मैं आपको अपने पैनल दिखाता हूँ। मेरे पास टोटल 4 पैनल है। एक पैनल 540 वाट है का है, ल्यूमिनस का हाफ कट टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट पैनल आया है, 10 बस बार टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसमें 10 बस बार है। इन चारों को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। देखिए मेरे 4 पैनल हैं, क्योंकि UTL अल्फा प्लस की VOC 230 वोल्ट है और एक पैनल की जो VOC वो 50 वोल्ट है, तो 4 को सीरीज़ में कनेक्ट करने पे मुझे 200 वोल्ट VOC मिली, जो बहुत ही स्मूथली चलती है इन्वर्टर पे। और MPPT का फ़ायदा आप तभी उठा सकते हो जब आप उस पर सीरीज़ कनेक्शन दो पैनल के ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए उसकी VOC हाई होती है।
ये देखिए फैन चल रहा है। चलिए इसको ऑन कर देते हैं। ये जो इस आयरन लगी हुई है 700 वाट का पावर लेती है, फिलिप्स की है, इसको भी ऑन कर दिया मैंने। अब चलिए चलते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन पे, देखते हैं कि कितना लोड है या ओवरलोड का सिग्नल दे रहा है। ये मशीन बंद होगी, इसे ऑन कर देते हैं। देखिए मेरा कैमरा हीट हो रहा है, ये कभी भी बंद हो सकता है। दोस्त देखिए स्क्रीन पे इन्वर्टर ओवरलोड तो दे रहा है, लेकिन 3027 से 3072 वाट तक का लोड दे रहा है। कैमरा मेरा क्रैश हो रहा है, मैं अगली वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरा कैमरा क्रैश होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। देखिए मैंने उससे 10-15 मिनट पहले ये चेक किया था, तो 2590 वाट लोड मैंने दिया था। तो वहाँ पे मुझे 11:40 पे मैंने लोड लेके देखा था, ग्रिड सप्लाई ज़ीरो देख के। उस वक्त मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, और काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है, सोलर का पावर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।